दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं कि NTPC और पावर ग्रिड इन दोनों स्टॉक्स में से कौन से स्टॉक को खरीदना ज्यादा सही रहेगा और कौन से स्टॉक में ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे NTPC लिमिटेड की। दोस्तों NTPC लिमिटेड में अगर आप देखेंगे स्टॉक का प्राइस चल रहा है करीब 315 रुपए के आसपास। हालांकि यहाँ भी गिरावट आपको देखने के लिए मिल रही है, लेकिन वहीं अगर हम पावर ग्रिड की बात करें तो पावर ग्रिड के स्टॉक में आपको स्टॉक का प्राइस दिखेगा करीब 266 रुपए के आसपास। हालांकि यहाँ पे गिरावट देखने के लिए मिल रही है, तो फिर दोनों स्टॉक में जब गिरावट है तो कौन से स्टॉक को खरीदना ज्यादा बेटर रहेगा? बहुत सारे लोग इसी कंफ्यूजन में रह जाते हैं, उनको ये नहीं पता चल पाता कि दोनों कंपनियों में से कौन सी कंपनी के स्टॉक को खरीदें, किसको अवॉइड कर दें। देखिए ये अपने आप में बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन होता है ज्यादातर ट्रेडर्स के मन में और जो लोग स्टॉक्स खरीदते हैं। लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको इन सारे कंफ्यूजन से थोड़ा सा बाहर निकालूंगा और ये बताऊंगा कि कौन से स्टॉक को खरीदना चाहिए, कौन से स्टॉक आपके लिए बेटर रहेगा, ताकि आप लोग बेटर डिसीजन ले पाओ और उसके साथ साथ आप एक अच्छे स्टॉक का सिलेक्शन भी कर पाओ। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों NTPC लिमिटेड के। यहाँ पे देखेंगे स्टॉक के प्राइस बिहेवियर की बात करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ज़्यादातर लोग प्राइस बिहेवियर को समझना नहीं चाहते। दोस्तों प्राइस बिहेवियर अगर आप समझोगे तभी तो आपको स्टॉक के प्राइस का डायरेक्शन पता चलेगा। लास्ट 1 मंथ में अगर देखेंगे तो इस स्टॉक में लगातार नीचे से ऊपर साइड का मोमेंटम बना था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जैसा सिनेरियो है। लेकिन करंट भी ये स्टॉक सपोर्ट के आसपास कहीं कहीं मुझे दिखाई दे रहा है 1 महीने के टाइम फ्रेम पे, जो चार्ट का प्राइस समझ में आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लास्ट 5 डेज में थोड़ा सा यहाँ पे कहीं कहीं अप फ्लैट होता हुआ भी प्राइस समझ में आ रहा है। ओवरऑल दोस्तों इस स्टॉक को खरीदने का बेनिफिट ये है कि 2.38% यानी कि 2.5% के आसपास आपको डायरेक्ट यहाँ पे डिविडेंड मिलेगा। अब हम पावर ग्रिड की बात कर लेते हैं। पावर ग्रिड के करेंट स्टॉक का प्राइस जो चल रहा है करीब 266 रुपये चल रहा है। लास्ट 1 मंथ में अगर हम पावर ग्रिड को देखेंगे तो कहीं कहीं मुझे एक चीज़ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे NTPC के स्टॉक का प्राइस जो है वो मुझे पावर ग्रिड की अपेक्षा ज़्यादा बढ़िया समझ में आ रहा है। लास्ट 5 डेज में अगर हम चेकआउट करते हैं तो देखेंगे लगातार थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सेलिंग इस पावर ग्रिड के स्टॉक में देखने के लिए मिला है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों डिविडेंड की। तो डिविडेंड हालांकि थोड़ा सा ज़्यादा है NTPC के अपेक्षा, लेकिन कोई बात नहीं है, स्टॉक का भी सिलेक्शन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब हम चार्ट के ऊपर समझेंगे पावर ग्रिड और NTPC दोनों के चार्ट को, जब देखेंगे तो ये समझ में आएगा कहाँ पे हम लोगों को खरीदना चाहिए और कौन से स्टॉक को हम लोगों को अवॉइड करने का प्लान करना चाहिए। सबसे पहले पावर ग्रिड के यहाँ पे स्टॉक को देखते हैं और इस चार्ट को देखने से हम लोगों को क्या समझ में आता है ये ध्यान से देखिए। देखेंगे यहाँ पे तो आपको एक अपसाइड का मोमेंटम तो इस स्टॉक में कंटिन्यू बनता हुआ, इस तरीके से प्राइस एक्शन भी अच्छा बना हुआ ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कैंडल्स यहाँ पे बड़ी बड़ी नहीं है, यानी कि बाइंग सेलिंग दोनों प्रॉपर होती हुई यहाँ पे देखेंगे तो ऐसा कुछ सीनारियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो जो यहाँ पे जो प्राइस है तो करंट में दो यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट हैं। एक तो इसके पास 265 रुपये का सपोर्ट है और दूसरा सपोर्ट इसके पास आता है दोस्तों करीब करीब 225 रुपये के आसपास। अब ये कहाँ पे सस्टेन करता है, यहाँ पे अगर करता है वेल एंड गुड तो फिर इस स्टॉक को आप खरीद सकते हैं और इसका जो पहला टारगेट होगा करीब करीब यहाँ से 300 रुपये तक का होगा। 300 के ऊपर निकलते ही इस स्टॉक में अगला टारगेट 340 से लेकर 345 तक इमीडिएट ये स्टॉक रेडी हो जाएगा इस टारगेट के लिए। हालांकि दोस्तों मैं ये कहूँगा दोनों पावर सेक्टर की कंपनियाँ हैं, दोनों अच्छे स्टॉक्स हैं, दोनों कंपनियाँ अच्छी हैं और इन दोनों कंपनियों में आप किसी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आपका व्यू लंबा है तो। लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग के पर्पज से सोचना है तो फिर आपको मैं बता देता हूं, अब आप फिर बेटर डिसीजन ले पाओगे कौन से स्टॉक को आपको स्विंग ट्रेड के लिए प्लान करना चाहिए, कौन से स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करना चाहिए। दोस्तों हालांकि सिमिलर दोनों कंपनियां हैं तो यहां पे आपको मैंने बता दिया है करीब करीब इसका पहले स्टॉप लॉस सॉरी इसका पहला जो सपोर्ट बन रहा है 260 से 265 के बीच बन रहा है, दूसरा सपोर्ट है, दूसरा सपोर्ट दोस्तों यहां पे 225 रुपये के आसपास बन रहा है। अब आपको वाच करके चलना पड़ेगा इस स्टॉक में कहाँ पे प्राइस सस्टेन होता है ये ज़्यादा मैटर करता है। हालांकि यहाँ पे ओवरऑल अगर डेली टाइम फ्रेम पे इस चार्ट को देखेंगे तो प्राइस काफ़ी स्ट्रांग है, थोड़ा सा डिप मिले तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी जरूर बनती है। अब हम यहाँ पे NTPC की बात करेंगे तो NTPC के चार्ट को ओपन कर लेते हैं, जस्ट वेट करिए आप लोग। NTPC लिमिटेड
दोस्तों यहाँ पे एनटीपीसी को अगर आप देखेंगे तो पावर ग्रिड की अपेक्षा थोड़ा सा स्ट्रांग चार्ट मुझे समझ में आ रहा है। जिस हिसाब से नीचे से ये लोअर हाई फॉर्मेशन देखेंगे तो बना रहा है, काफ़ी अच्छे तरीके से इसका प्रोजेक्शन बना हुआ है और ये काफ़ी लंबे टाइम से ब्रेकआउट दे रहा है। और इस ब्रेकआउट को भी देखेंगे तो ये यहाँ पे कहीं कहीं अभी भी इसका पूरा टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का सिनारियो बन रहा है यहाँ पे। लेकिन ये ऑलमोस्ट यहाँ पे देखेंगे तो ये प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। एटलीस्ट यहाँ पे थोड़ा बहुत और नीचे प्राइस आपको आता हुआ दिखाई दे रहा दे सकता है, करीब 300 तक, ठीक है। और करेंट में इसका प्राइस चल रहा है 316 रुपए के आसपास, तो थोड़ा बहुत आप लोग यहाँ पे वॉच करके चल सकते हैं। जैसे ये 300 के आसपास आपको मिल जाता है यहाँ पे आप लोग खरीदारी करके चल सकते हैं। पहला टारगेट जो होगा करीब करीब यहाँ पे 360 रुपए का होगा, दूसरा टारगेट यहाँ पे 440 रुपए तक के हो सकते हैं। 440 से लेकर 460 रुपए का भी इमीडिएट टारगेट ओपन हो सकता है, लेकिन आप यहां पे सिर्फ 20-30% अपसाइड का ही टारगेट एक बार में लेकर चला करो। उसके बाद आप एक बार अपना प्रॉफिट जरूर बुक किया करो। इससे होता क्या है कि आपका पार्शियल प्रॉफिट बुक हो जाता है और आप रिस्क जोन से बाहर आ जाते हैं। तो दोस्तों यहां पे एनटीपीसी पावर ग्रिड दोनों में ट्रेडिंग पर्पस के लिए मैंने बता दिया है। अगर यहाँ पे आपको 300 के आसपास मिलता तो आपके स्टॉप लॉस बनेगा करीब करीब 278 रुपए के आसपास, तो 278 की स्टॉप लॉस भी आप लोग एनटीपीसी में लगा सकते हैं। 300 के आसपास प्रयास करिए, ये अगर प्राइस मिलता है वेल एंड गुड, यहाँ पे खरीदने का ये बेस्ट जगह है। तो एनटीपीसी में 300 के आसपास खरीदिए और पहला टारगेट रखिए 360 रुपए के आसपास। यहाँ से निकलते ही इस स्टॉक में ऊपर साइड के और अच्छे टारगेट आपको मिलेंगे। हालांकि मेरी पहली चॉइस की अगर मैं बात करूँ तो एनटीपीसी को मैं पहले नंबर में रखूँगा ट्रेडिंग पर्पस से, और इन्वेस्टमेंट पर्पस की अगर मैं बात करूं तो पावर ग्रिड और एनटीपीसी दोनों ही बेहतर स्टॉक्स हैं, दोनों बेहतर कंपनियां हैं मेरी नज़र से। दोस्तों इनमें से किसी भी स्टॉक को आप खरीद सकते हैं इन्वेस्टमेंट के पर्पस से, या फिर आपके पास अगर कैपिटल है तो आप दोनों स्टॉक को खरीदिए। भले ही क्वांटिटी 50-50 करिए लेकिन इन दोनों स्टॉक्स को जरूर किए, क्योंकि ये जो डिविडेंड आपको मिल रहा है ना, ये डिविडेंड आप देखेंगे करीब 4.5% के आसपास का है और करीब करीब यहाँ पे 2.5% का डिविडेंड यहाँ पे आपको एनटीपीसी में, यानी कि करीब करीब 7% का तो डिविडेंड ही आप ले लोगे यहाँ पे। यहाँ तक कि मैं ये कहूँगा कि जो एफडी और आरडी का रेट है उससे ज़्यादा तो यहाँ पे आपको इन कंपनियों से डिविडेंड ही मिल जाता है। तो फिर आपको क्या चाहिए? और इस स्टॉक का प्राइस का जो इन स्टॉक्स के प्राइस का मूव जो है वो आपको अलग से बेनिफिट दिलाने वाला है और डिविडेंड का फायदा तो आप ले ही रहे हो। तो दोस्तों ऐसे ही स्टॉक एनालिसिस पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसी तरीके से हमारे चैनल के ऊपर आपको लर्निंग के वीडियोस हमेशा फ्री में मिलते रहेंगे, और इसका यूज़ करके आप स्विंग ट्रेड्स और अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की भी प्लानिंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर एक और नए लर्निंग एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।